लव्य व्यवस्था अध्याय 15। लव्य व्यवस्था अध्याय 15। ऐसे लोगों की विधि जिनके प्रमेह हो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि इस्राएलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे, और चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे, और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए, और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाए। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन तक गिन ले, और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जिस किसी वस्त्र व चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री कृतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछौने व और किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूने वाला सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसे लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे व उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह
अशुद्ध ठहरे। उसके कृतिमती रहने के सब दिनों में से जिस जिस बिछोने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछोनों के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके कृतिमती रहने के दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जब तक वह स्त्री अपने कृतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले, और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से न्यारे रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए। जिसके प्रमेह हो और जो पुरुष वीर्य स्खलित होने से अशुद्ध हो, और जो स्त्री कृतुमती हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री, जिस किसी के धातु रोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है।